इमेज एंड वेब सर्चिंग, जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि इसमें हमने गूगल पे सर्च करना है कुछ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप इसको स्क्रीन को देखिएगा सर, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, प्ले कर दीजिएगा। तो इसमें जो है प्ले कर दीजिए, हाँ ठीक है, बस ऐसे बढ़ाते रहिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो हम टेक्स्ट को सर्च करते हैं और साथ ही साथ हम टेक्स्ट के साथ साथ हम इमेज भी सर्च कर सकते हैं। अब आपने यूआरएल दिया तो उसमें इमेज को हम सर्च कर लेंगे। तो अभी अगली स्क्रीन आ गई है, अब आप देखिए सर्च में ही अगर हम देखें तो गूगल लेंस होता है थर्ड, ये ऑटोमेटिकली थर्ड पे पहुंच गया। तो हाँ इसी में रहने दीजिए सर अभी। तो जैसे हमारा ये है गूगल लेंस है, अब आपने यहाँ पे देखा पहली पिक्चर में, आप देखिए लेफ्ट साइड में कि हमने यहाँ पे कोई किसी बिल्डिंग की फोटोग्राफ ली और हेरिटेज बिल्डिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली उस बिल्डिंग के बारे में सारी डिटेल दे देगा। अब आप कहीं विदेश घूमने गए हैं और आपने किसी बहुत अच्छी सी हेरिटेज बिल्डिंग है उसमें घूमने गए, आपने या कोई फोटोग्राफ देखी, कोई स्टैचू देखा, तो उसका आपने फोटो लिया, तो गूगल इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है कि ये जो है आपको उसकी सारी डिटेल दे देगा, आपको बताएगा कि ये कौन सी चीज है। आप अगर आप वहां पे लिखा हुआ जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये अपने आप ही आपको बता देगा। इसी तरह से आप ये बीच वाली पिक्चर में देखिए, ये गूगल लेंस का कमाल है, ये भी सर्चिंग है। तो इसमें यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है, तो अगर थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे, अभी आपको पीपीटी भी शेयर करेंगे हम लोग, तो इसमें ये जिस लैंग्वेज में लिखा है, सपोज आप किसी और कंट्री में गए और स्पेनिश में कुछ लिखा हुआ है और आपने गूगल लेंस से उसको हिंदी में पढ़ लिया, तो गूगल लेंस ऑटोमेटिकली इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। ऐसे ही तीसरी पिक्चर में आप देखिएगा, इसमें एक फॉर्मूला लिखा है मैथमेटिक्स का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपने नोटबुक में कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन लिखी, मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन लिखी, कोई सवाल लिखा और आपका गूगल जो है उसको सॉल्व कर ले रहा है, तो ये इस तरह की सर्चिंग है, इस तरह का ये भी सर्चिंग का ही पार्ट है, ये गूगल लेंस का कमाल है। तो अभी तक तो हम केवल जानते थे, केवल हम समझते थे कि हम जो हम लिखते हैं, जैसे हमने गूगल में जब लिखा कुछ चीज, हमने लिखा कि वहां पे हमने कहा कि प्लीज इन्फॉर्म अबाउट नैनीताल, तो उसने नैनीताल की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ऐसा समय नहीं है, अब यह है कि अब बड़ा फास्ट हो गया सिस्टम, अब आप फोटोग्राफ खींच के भी उसको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बड़े अच्छे अच्छे स्टोरीज बताऊंगा इसमें, अभी समय जैसे भी होता है। तो जो सुंदर पिचाई हैं, जो गूगल के सीईओ हैं, उनकी बहुत सारी स्टोरीज है, वो किस तरह से वहां पहुंचे, कैसे ये हुआ, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी से जितना समय मिलेगा मैं बताऊंगा आपको। तो आप सर अगली स्लाइड में आ जाइएगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो इसी तरह से जैसे आजकल ये भी सर्चिंग ही कह सकते हैं इसको, जैसे क्यूआर स्कैन कर रहे हैं हम, आपने क्यूआर स्कैन किया तो सारी बैंक डिटेल आपके मोबाइल पर आ गई, अब आपने उसको जो है उस पर पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी एक तरह का क्यूआर इसका स्कैन है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कि आपने सर्च फॉर द कंटेंट, अगर आप किसी कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, आपने टाइप किया कोई इंफॉर्मेशन ली किसी जगह की लेना चाह रहे हैं, तो आपको पूरी चीजें दिखाएगा, जैसे आपने किसी फोटो पे क्लिक किया तो उस फोटो पे जाकर के उसके सारी डिटेल्स को वो सर्च करेगा। इस तरह से आप किसी एक टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं और वहां पे उस टूरिस्ट प्लेस के आसपास कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस और हैं जहां पे आप घूम सकते हैं, किसी सिटी में जा रहे हैं तो उस सिटी के सारे टूरिस्ट प्लेस को वो डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरह के आइडिया है इसमें, वंडरफुल आइडियाज हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट वाले पे जाइएगा। तो इसी तरह से ऑडियो सर्च भी आ गया आजकल, क्योंकि वेब सर्चिंग जो मेरा टॉपिक था, मैं उसी सर्चिंग के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से ऑडियो सर्च ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज पहले नहीं थी। पहले क्या था कि हम कंप्यूटर को इनपुट केवल कीबोर्ड से टाइप करके ही दे पाते थे, कि अगर हमने कीबोर्ड से अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट देना है तो हम क्या करते थे, कंप्यूटर पे टाइप करते थे और उस टाइप किए हुए मैटर को ही कंप्यूटर इनपुट के फॉर्म पे लेता था। अब क्या हो गया कि आज की डेट में वॉइस वॉइस इनपुट बड़ा पावरफुल हो गया है। अब आप व्हाट्सएप पे देखिए, आप कुछ भी बोले वो उसको रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ले रहा है। इसी तरह से आप एलेक्सा से कुछ भी क्वेश्चन
करेंगे, अलेक्सा आपको हर क्वेश्चन का आंसर देगी। अभी आपने रिसेंटली लास्ट मंथ देखा होगा कि अलेक्सा ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, गलत बताया उसने, किसी बच्चे को गलत एडवाइस कर दिया उसने, तो उसके तुरंत बाद पूरी उसके खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट जारी हुए और अमेजोन को उस ऐप में उस जो जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम को रेटिफाई करना पड़ा, सही करना पड़ा। उसका स्टेटमेंट दिया उसने कहा कि नहीं, अब ये अलेक्सा जो है अब आगे इस तरह के आंसर नहीं देगी। तो ये समय आ गया है कि हमारा वॉइस इनपुट इतना पावरफुल है, एक छोटी सी मिस्टेक में उन्होंने पूरी उनकी टीम लग गई और उसने उसको सही किया। तो वॉइस इनपुट इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट, अब आपके हर एक के मोबाइल में, आप इसको अपने मोबाइल में एक्टिव कर लीजिएगा गूगल असिस्टेंट को, यूट्यूब में देखिएगा कैसे एक्टिव होता है। तो आप वहां पे बोलेंगे हे गूगल व्हाट इज द वेदर कंडीशन ऑफ द टुडे, तो वो तुरंत आपका गूगल उसका आंसर रिप्लाई कर देगा आपको कि आज का जो वेदर कंडीशन है हल्द्वानी का, को तो वो जो है तुरंत आपको रिप्लाई कर देगा। तो ये आज का समय है। तो ये इस तरह से बहुत सारी सर्चिंग आ गई है। आगे सर नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइएगा। तो अब ये देखिए, इसमें एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है। देखिए आज आईओटी भी बड़ा पावरफुल है और सारी चीजें बड़ी पावरफुल। अब देखिए इस चौराहे पे, यहाँ पे एक चौराहा दिखाई दे रहा है, इस चौराहे पे एक कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे में एक सेंसर है और वो सेंसर इन कारों की स्पीड को मेजर कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे हर कार के ऊपर स्पीड आ रही है। अब ये जो तेजी से भागती हुई कार आई, इसने इसको जो है यहाँ पे दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रूफ पता नहीं चलेगा कि किसकी, झूठ नहीं बोल सकता है कि मेरी कार की स्पीड कम है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है। वीडियो वेब सर्चिंग टेक्निक के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। ऐसे ही इसमें लेफ्ट साइड में ये नोटपैड दिया हुआ है, इसमें हैंड रिटन है, आपने हाथ से कुछ लिखा हुआ है और अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे ये एप्लीकेशन है, गूगल लेंस क्या कर रहा है, इसको सीधे सीधे टेक्स्ट में टाइप्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। आप देखिए उसकी मेथड भी ये वीडियो के फॉर्म में दिखाई हुई है। तो इस तरह की सर्चिंग टेक्निक्स आ गई हैं। अब आप देखिए ये कैमरे का क्या कमाल है, इसमें आईओटी का कमाल देखिए, और ये सारा वेब पे कनेक्टेड है और ये सारा पुलिस के कंट्रोल रूम पे जा करके है, और वहां वो पुलिस के कंट्रोल रूम में पता चल रहा है कि इसकी स्पीड क्या है। अब आप किसी कैमरे से नहीं बच सकते हैं, आप किसी भी कैमरे से आप बच नहीं सकते हैं। आपको जो है, आप कोई गलत चीज कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप पकड़ में आएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें आई। तो क्या था कि सुंदर पिचाई जो थे, सुंदर पिचाई बड़ी स्टोरी, बड़ी गजब की स्टोरी है कि एक मध्यम परिवार के अंदर फैमिली से थे हुए, और उन जो है टू रूम का, उसका दो रूम का घर था उनका, और जो डाइनिंग रूम था उसी में वो रहते भी थे। तो सर मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, नहीं हो रही होगी ना अभी? नहीं, अब तो एक बार में एक ही स्क्रीन शेयर हो पाती है सर। चलिए कोई बात नहीं, फिर अब आपको बैठे रहना पड़ेगा है ना। तो मैं तो जब पहली बार उनका आईआईटी में, क्योंकि बहुत पढ़ने में होशियार थे तो घर से ही उनका सारी चीजें चलती थी, और तो मुझे लगता है सर आपका आवाज नहीं पहुंच पा रहा हम तक। वो हर चीज को देखते थे कि कितना, कैसे चीजें हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। और फिर उसके बाद फिर देखा उन्होंने कि मदर बार बार बाजार जाती है, सब्जी लेके आती है, फिर सब्जी बनाती है, फिर शाम की सब्जी लेके आती है, फिर बनाती है। तो उन्होंने जिद करके अपने फादर से एक फ्रिज खरीदवा करके रख लिया। तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा कमाल हो गया कि भाई अब तो सारा सामान बार बार लाने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते की सब्जी ला के रख दो तो काम चल गया। तो धीरे धीरे उनके अंदर ये चीजें आई कि तकनीक सर, आपका आवाज बीच बीच में गायब हो जा रहा है। करवाई और वो अच्छा आवाज, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ हुआ था। तो अभी आ रही आवाज, यस सर, अभी अभी आ आवाज रही है। आ रही है ना।
तो इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया कि वो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, और आईआईटी में उन्होंने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से वहां पे, क्योंकि सुंदर पिचाई का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि हम वेब सर्चिंग की बात कर रहे हैं, तो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने मेटेरियल साइंस जिसको बोलते हैं उसमें उन्होंने ऐसा है वो सारा कंप्यूटर, ये सब हम वेब सर्चिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ ये कहीं ना कहीं गूगल के ही कारण है। आज गूगल सबसे पावरफुल सर्च इंजन है, गूगल से ऊपर कोई दूसरा सर्च इंजन नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने इसमें जो है मेटेरियल साइंस से करने के बाद और कंप्यूटर साइंस में आए वो। तो अब उसके बाद अब उनका विदेश जाने का नंबर आया, जब उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएस के लिए एडमिशन हुआ तो उनके फादर ने पूरे साल की सैलरी एडवांस ली, पूरे एक साल की सैलरी एडवांस लेके उनका उनका जो है एयर टिकट लिया, ये स्टोरी है। और आज आज वो एयरप्लेन कितने एयरप्लेन खरीद लेंगे एक साल की, एक महीने की सैलरी में। तो ये ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सुंदर पिचाई के लिए। ऐसी ऐसी उनको जब जब वहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना था तो उनका जो बैग था वो बैग की कॉस्ट ही 2000 थी उस समय, तो 2000 सैलरी एक महीने की बात थी उनके फादर की, तो वो इतनी सैलरी में उन्होंने वो खरीदा। तो इस तरह के अलग अलग वाक्य हैं। तो अब बात करते हैं आगे, इसको आगे बढ़िएगा सर, नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाइए सर। तो इस तरह से गूगल जो है, गूगल फॉर एजुकेटर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है गूगल। तो कैसे स्टार्ट हुआ, आप गूगल की इसकी भी हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आइएगा। तो ये गूगल गैराज से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट था, ये एक इस रिसर्च प्रोजेक्ट था, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट एक गैराज से स्टार्ट हुआ और लगभग लगभग 1998 में स्टार्ट हुआ, आज इतना पॉपुलर है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइएगा सर। उसमें अब देखिए नेक्स्ट, ये गैराज है, ये पहला फोटोग्राफ है, और ये दो इसके वो थे सर्जे ब्रेन और लैरी पेज, ये दो लोग थे, इन दो लोगों ने मिलाकर के पैसे है ना कुछ $2000 के आसपास पैसा मिलाया इन्होंने, एक के पास 1800 1200 डॉलर था, एक के पास 800 था, कुछ इस तरह से किया इन्होंने। तो ऐसे शुरुआत हुई, आज जो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है वो आज जो स्टेब्लिश हुई है वो यहां से शुरू हुई है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा। तो इस तरह से अब देखिए गूगल का एम्पायर क्या गजब का है, कि चाहे पिक्चर सर्च होनी है, मैप है, मेल है, ट्रांसलेटर है, गूगल प्लस है, कैलेंडर, बुक्स, वीडियो, यूट्यूब, गूगल प्ले, डॉक्स, न्यूज, गूगल अर्थ, वॉलेट, पिकासो, ये सब इसके सारे इसी के टूल है। नेक्स्ट स्लाइड। और इनको आप ऐसे भी देखते हैं, जब आप अपना ओपन करते हैं अकाउंट तो वहां पे आपको ये सारे दिखाई देंगे उसमें, चाहे गूगल अलर्ट है, गूगल कास्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे गूगल फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है, जीमेल का यूज करते हैं, गूगल डीओ का यूज करते हैं, गूगल फिट का यूज करते हैं, ये सारे टूल कहीं ना कहीं, कैलेंडर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से अब हम जो हम सर्च करते हैं यहाँ पे गूगल पे, बुक्स हम सर्च कर सकते हैं, मैगजीन सर्च कर सकते हैं, पेपर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सारी चीजें हम सर्च कर सकते हैं। गूगल इज द बेस्ट अमंग ऑल, जबकि याहू की सर्च, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है, पर या गूगल कहीं ना कहीं नंबर वन बेस्ट सर्च इंजन है। और हम सर्चिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सर्चिंग जो है वो सर्चिंग धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सर्चिंग हमारी रिफाइन होती जा रही है। शुरू में हम सर्चिंग का मतलब समझते थे कि हमने कोई चीज लिखी, टेक्स्ट लिखा और वो सर्च करके आ गया, अब सर्च बहुत दूसरे तरीके से आ रहा है। अब सर्चिंग क्या है, एलेक्सा से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी सर्चिंग है, गूगल असिस्टेंट पर हम सर्चिंग कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो भी सर्चिंग है। तो वो कैसे है, उसमें एआई यूज हो रहा है, धीरे धीरे सर्चिंग में हम एआई का भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सर्च होती है तो 60 ट्रिलियन इंडिविजुअल पेजेज एंड इट्स कॉन्स्टेंटली क्राउलिंग, कहता है ग्रोइंग, तो ये क्राउल करता है, और 60 ट्रिलियन इंडिविजुअल पेजेज है ना, जैसे अगर आप एक सर्च करेंगे, आपने कोई चीज सर्च की तो सर्च करते ही आपको करीब करीब आप उसको काउंट करेगा तो हजारों आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हालांकि ये बात और है कि उन रिजल्ट पे बहुत सारे रेलिवेंट होते हैं, बहुत सारे इनरेलीवेंट होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, है ना। जैसे अगर आप
जैसे वेब डिजाइनिंग के बारे में देखें तो वेब डिजाइनिंग पे हजारों सर्च, लाखों सर्च आ जाएंगी आपके, उसमें हजारों नहीं लाखों सर्च आ जाएंगी, पर वो बहुत सारी सर्च रेलिवेंट नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, ये भी धीरे धीरे ये भी रिमूव हो जाता है, और ये भी धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, मतलब आने वाले टाइम में और ज्यादा इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं आगे। तो अब इसको हम क्राउलिंग बोलते हैं, एक एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना, तो इस वर्ड का नाम दिया है क्राउलिंग। नेक्स्ट स्लाइड सर, स्पाइडर टर्म आता है इसमें, क्राउलिंग स्पाइडर, ये सारे चीजें आती हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे हम कोई चीज सर्च करते हैं तो क्या होता है, पहले गूगल इंडेक्स सर्वर पे जाता है, और इंडेक्स सर्वर पे इंडेक्सिंग होती है, वहां पे उन फाइलों के नाम होते हैं केवल, जिन फाइलों के अंदर वो इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने कहा कि हमको मेडिकल की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फार्मेसी की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो फार्मेसी वाले सर्वर पर पहुंच जाएगा, और वहां पर हजारों फार्मेसी से रिलेटेड इंडेक्सिंग होगी, केवल हेडिंग्स होंगी। उस वो हेडिंग्स को रखने के लिए ही अपने आप में एक सर्वर है। अब आपने कहा कि आपके सर्च से रिलेटेड वो सारी इंडेक्सिंग जो है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सर्च करके फिर आपके सिस्टम पे दिखा देगा, तो इस तरह से चलता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, तो अब इसमें क्या होता है, अब जो हमारा है गूगल सर्चेज एंड कीप ट्रैक ऑफ इट ऑल इन द इंडेक्स एंड ओवर 100 मिलियन गीगाबाइट, इतना डेटा ये हमारा सर्च करके लाता है, फिर वो हमको लिंक शो करता है, और हम पर्टिकुलर लिंक में क्लिक करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब इसी तरह से अगर आपको इमेजेस सर्च करनी है तो आप इमेजेस पे जाएंगे, न्यूज सर्च करनी है तो न्यूज पे क्लिक कर देंगे, जैसे कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो इसमें इस तरह से ही आता है। ऐसे वीडियो सर्च करना होता है, वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखे हुए टैब ये, मैप सर्च करना हो तो मैप पे। तो सपोज अभी हमें पता नहीं होता, कभी कभी हम कोई फिगर ढूंढते हैं, हम ऑल पे ही रहते हैं, तो हमको ये मालूम होनी चाहिए, तो हमारी सर्चिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट इमेज पे चले जाएं, या वीडियो सर्च करना है तो सीधे वीडियो पे चले जाएं। तो ये हमारी एडवांस सर्च टेक्निक है, जैसे आप ऊपर सबसे ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ है इस पर एडवांस सर्च टेक्निक, आगे बढ़िए इस तरह से। तो इसी तरह से अगर आपको एग्जैक्टली हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमने कहा टू ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेस, तो वो केवल इतना ही देगा, इसके अलावा जो फालतू की चीजें हैं वो नहीं दिखाएगा, इसको दिखा देगा, इसके अलावा फालतू चीजों को नहीं दिखाएगा, डबल कोट्स में अगर हम रखें। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए जब भी कोई चीज सर्च करें तो उसको डबल कोट्स में रख दें, व्हेन सर्चिंग फॉर ए समथिंग स्पेसिफिक, यहाँ स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, ट्राई यूजिंग कोट्स टू मिनिमाइज द गैस वर्क फॉर द गूगल सर्च। नेक्स्ट सर, अब सोशल मीडिया पे आपको सर्च करना है, जैसे मैं अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल देखना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे हैश साइन है, प्लस साइन है, एट द रेट साइन है। तो अगर आपने हैश साइन लिखा है तो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट को शो करेगा, प्लस से भी शो करेगा, एट द रेट से भी शो करेगा। तो इनको हमको पहले लगाना होता है, व्हेन सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीपल इन सोशल मीडिया ट्राई यूजिंग दीज कीवर्ड्स। तो ये हमारे स्पेशल करेक्टर है, इनको हम यूज करते हैं सोशल मीडिया सर्च के लिए, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा, अदरवाइज वो बहुत सारी सर्च दिखाएगा, उसमें सोशल मीडिया वाला भी कहीं होगा। आगे सर, नेक्स्ट स्लाइड, अब ऐसे ही अगर हाइफन का यूज करेंगे तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, जैसे यहाँ पे स्कॉर्पियो हाइफन हॉरोस्कोप, ये माइनस का जो साइन है, या हाइफन साइन भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, स्कॉर्पियो के बारे में इंफॉर्मेशन तो सर्च करके लाएगा पर हॉरोस्कोप की इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं करेगा। तो ये जैसे नॉट ऑपरेटर होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी हुई वो समझ सकते हैं इसको, तो उसी तरह से यहाँ पे ये देता है। नेक्स्ट स्लाइड, अब आगे देखिएगा, ऐसे ही अगर हमने जैसे अपनी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में मालूम करना है तो कोर्सेज uou.ac.in, तो हमको वेबसाइट तो पता है, अब वेबसाइट में भी हमको देखना है भाई, हम क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब आपको एग्जाम की चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, exam:uou.ac.in, तो ये क्या करेगा, केवल एग्जाम शो करेगा, बाकी चीजें शो नहीं करेगा। तो ये क्या है, माइनिंग, जैसे हम डेटा माइनिंग करते हैं वैसे ही हमारा वेब माइनिंग होगी, वेब सर्चिंग या फिर वेब माइनिंग भी कह सकते हैं हम कभी कभी इसको, तो केवल ये वही इंफॉर्मेशन को शो करेगा। नेक्स्ट, अब ऐसे ही ये लिंक हो गया, फिर वेबसाइट का नेम हो गया, आगे सेम वही स्लाइड है। इसी तरह से अगर हमने कोई कुछ नेम सर्च करना है तो हम इस एस्ट्रिक साइन, जो हम पहले बहुत पहले अगर आपने देखा होगा, अगर स्टार्टिंग की होगी कंप्यूटिंग कंप्यूटर की, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहीं पढ़ा होगा आपने, यूनिक्स में भी आता है, डॉस में भी होता है,
ये जो स्टार है ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, जैसे रिम झिम के बाद कोई भी वर्ड हो सकता है, वो एस्ट्रिक साइन है, तो उन सारे नेम्स को डिस्प्ले कर देगा जो नेम रिम झिम से स्टार्ट हो रहे हैं और जोशी पे जाके एंड हो रहे हैं। तो ये इस तरह से ये एस्ट्रिक कीवर्ड वाइल्ड कार्ड की तरह काम करता है, तो पूरी लिस्ट शो कर देगा। तो ये जो हमारा ये भी एडवांस सर्च टेक्निक के अंदर आता है। नेक्स्ट, अब ऐसे ही रिलेटेड, अब आपको देखना है कि अमेजन की तरह की और कौन कौन सी साइट हैं, उन साइटों की डिटेल चाहिए आपको, जैसे रिलेटेड amazon.com, तो amazon.com से रिलेटेड जितनी साइट हैं उसी तरह की साइट्स वो सारी शो कर देगा। अब आपको देखना है अगर फेसबुक जैसी, तो वहां पर रिलेटेड कोलन फेसबुक डॉट कॉम जो भी उसका है वो आप लिख देंगे तो उससे रिलेटेड सारी वेबसाइट्स को वो शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी तरह से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये भी क्विक सर्चिंग है, ये भी क्विक सर्चिंग का पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने सीधे फॉर्मूला लिख दिया है, अभी तो बहुत सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता तो उसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गूगल सर्च में। तो हमने 8 × 5 + 5 लिखा है, तो इसको ये इसका आंसर दे देगा, सीधे सीधे आंसर कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये गूगल एज ए कैलकुलेटर भी वर्क करता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह से हमने यहाँ पे सर्च किया मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, तो हम इन दोनों के बारे में या तो ये है ना, तो मल्टीपल वर्ड हम दे सकते हैं एक साथ हम, क्योंकि ये सर्चिंग का हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज की गूगल बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज की जरूरत है तो हम कहते हैं गूगल पर जाओ, ऐसे ही कोई चीज हमको चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए तो हम कहते हैं यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब भी गूगल का ही पार्ट है। तो क्या हुआ, यूट्यूब की भी स्टोरी है, और ऐसे ही फेसबुक की स्टोरी आपको पता होगा, हॉट एंड नॉट समथिंग कुछ उसने साइट बनाई थी, तो वो उसमें जो है वो लोग क्या करते थे, फोटोग्राफ डालते थे कि ये हॉट है या ये हॉट नहीं है, इस तरह से कुछ था, तो बाद में वो फेसबुक में बदल गया, और जुकरबर्ग तो कॉलेज ड्रॉप आउट रहे, उनको निकाल दिया गया कॉलेज से, क्योंकि वो इंटरनेट उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था, तो उनको पनिशमेंट दिया गया। और वो जुकरबर्ग इतना बड़ा नाम है आज की डेट में, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यूएस जाते हैं तो सबसे पहले सुंदर पिचाई से मिलते हैं या फिर जुकरबर्ग से मिलते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पूरी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं ये लोग। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये तीन दोस्त थे, वो तीन दोस्त एक पार्टी कर रहे थे, शुरुआत कैसे हुई यूट्यूब की, तो एक पार्टी का वीडियो बना, पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी रही उनकी, अब उनको यादगार पार्टी थी, तो उन्होंने कहा यार अब इसका वीडियो कैसे शेयर करें और दोस्तों को, तो वहां से शुरुआत हुई यूट्यूब की। तो उन्होंने कहा इसको शेयर करने का तरीका क्या है, तो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तब वो यूट्यूब आया, इस तरह की कुछ कहानी है यूट्यूब की। तो उसके बाद यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया, आज की डेट पर कहा जा रहा है कि टीवी खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, लोग यूट्यूब में स्विच हो जाएंगे इतना। और वैसे भी टीवी में आप देखिए, आप अमेजन प्राइम आ गया है, वहां पे लोग उसमें चल नेटफ्लिक्स में जाने लगे हैं, और आजकल तो सीरियल भी वहां पे आने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट हम बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही जब सुंदर पिचाई जब चाइना गए, तो चाइना पहुंचे तो वहां पे रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में कोई भी उनकी बात को समझ ना सके क्योंकि वो तो इंग्लिश जानते थे, और वहां पे जो है पूरी चाइनीज चलती थी, उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया तो वो पता नहीं चल पाया कि वो क्या मंगा रहे हैं और क्या आ रहा है, तो वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि अब इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो वहीं से उन्होंने अपने इंजीनियर को फोन किया, उन्होंने कहा भाई आप तुरंत एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करो कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सके, देखिए आज की डेट पे 180 लैंग्वेजेस को लाइव ट्रांसलेशन हो सकता है, ये सब ये केवल गूगल ही कर सकता है इसको, ये जो एडवांस हम गूगल सर्चिंग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो गूगल लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये गूगल ही कर सकता है, इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर हमारे बन गए हैं। तो ऐसी कहानी आईबीएम की भी है, आईबीएम क्या करता है, आईबीएम भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आईबीएम क्या करता है कि जब आईबीएम किसी बिजनेस के पीक पे पहुंचता है तो वो बिजनेस को स्विच कर देता है, दूसरे बिजनेस में चला जाता है। जैसे आईबीएम सब शुरू में आईबीएम पीसी थे, आईबीएम मेन फ्रेम था उससे पहले, आईबीएम मेन फ्रेम पीक पे आया तो आईबीएम उसने स्विच कर दिया, आईबीएम पीसी पे आ गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब मेन फ्रेम का टाइम जाने वाला है, तो वो सीधे सीधे उसमें स्विच कर दिया। आईबीएम पीसी पीक पे था बिजनेस उसका, तो वो आईबीएम सर्विस सेंटर में आ गया,
आईबीएम के डेटा सेंटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, तो उस बिजनेस पे वो आ गया। तो इस तरह से ये चीजें चेंज होती गई। तो अभी अभी देखिए आईबीएम वॉटसन है, इतना पावरफुल है आईबीएम। अब आईबीएम कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और आईबीएम वॉटसन ये क्या करते हैं, ये कंपनीज क्या करती है, इनोवेट करती है, इनोवेटिव आइडिया। अगर इनोवेशन नहीं करती तो इनका भी हाल वही होता जो नोकिया का हो गया या जो कोडेक का हो गया। तो इस तरह से ऐसी हमें भी लाइफ में कि आप इतने दिन से जो वर्कशॉप कर रहे हैं, अगर आप नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं भी चेंज नहीं करूंगा अपनी स्टाइल को तो मैं भी ऑब्सोल्यूट हो जाऊंगा, मुझे भी लोग नहीं पूछेंगे तो मैं भी बेकार हो जाऊंगा। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को सीखें, टेक्नोलॉजी के चेंजेस के साथ अपने आप को भी चेंज करें। तो इसी तरह से अब आप स्लाइड में देखिएगा, इसमें क्या है कि व्हाट टीम वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2002-2020, ये पूरी लिस्ट शो कर देगा कि वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप तो 2000 से लेके 2022 तक किसने किया, किसने कौन जीता, तो ये सारी लिस्ट शो कर देगा आपको। बस इतना लिखना है आपको, या आप लिखिएगा किसी और का, आप किसी और गेम का आप दे रहे हैं तो वो पूरा शो कर देगा। नोबेल प्राइज विनर 2000-2022 इन फिजिक्स आप लिखिए, तुरंत शो कर देगा आपको। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए सर। तो ये सर्चिंग टेक्निक्स हैं, इनकी इन इन टेक्निक्स को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम कोई चीज फास्ट सर्च करेंगे, हमको तुरंत आंसर मिलेगा। ऐसे हम पूरी स्पेलिंग नहीं भी लिखे, आपने देखा गूगल इतना इंटेलिजेंट है, आप पूरी स्पेलिंग अगर गलत स्पेलिंग भी लिखते हैं ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। जैसे हम नेवर गॉन अप गिव अप लिखते हैं तो इसको समझ लेता है, वो NVER मतलब नेवर हुआ है ना, ऐसे GV है तो गिव अप हो गया, गिव अप। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसको ऑटोमेट स्पेलिंग का मीनिंग नहीं होता है, स्पेलिंग डजंट नेसेसरी। नेक्स्ट सर। तो इसी तरह से स्पेसिफिक वर्ड है, आपको फाइल टाइप चाहिए। जैसे हमने कहा हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, मुझे सपोज वेब सर्चिंग पर कुछ ढूंढना है, एंड वेब सर्चिंग कोलन PPTX लिखूंगा तो उसकी सारी PPT आ जाएंगी, और अगर मैं PDF लिखूंगा तो उसकी सारी PDF फाइल को शो करेगा। अदरवाइज आप जब भी आप वेब सर्चिंग लिखेंगे तो उसमें मिक्स करेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आपको केवल PDF चाहिए, आपको बिल्कुल अपने रिक्वायर्ड चीजें चाहिए तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी तरह से अब आगे जैसे हमने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो आप लिखिए रुपीज टू डॉलर। जैसे हमने क्या है, हमने कहा कि 5,625 रुपया है ना हमारे पास है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है ना, 5,536 टू डॉलर लिखेंगे तो डॉलर में दिखा देगा कितना है। माइल्स टू किलोमीटर है ना, तो रोड में माइल्स लिखे हैं तो आपने कहा माइल कितने किलोमीटर चले होंगे, ये तो माइल्स लिखा हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह से सिनोनिम सर्च कर सकते हैं। अगर ये इस साइन को आप टिल्ड साइन बोलते हैं, इसको इस साइन का यूज करेंगे किसी वर्ड के आगे तो उसके सिनोनिम को शो कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे ही नेक्स्ट, ये वही ये पहले हम जिक्र कर चुके हैं। इसी तरह से सेट टाइमर फॉर, अगर आपको टाइमर सेट करना है तो वो सेट टाइमर फॉर लिखिए और अमाउंट ऑफ टाइम लिख दीजिए। आपने कहा कि 4 घंटे बाद का टाइमर सेट करना है तो सेट टाइमर फॉर 4 आप ये 4 PM लिख दीजिए, या जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट। इसी तरह से आपको होली कब है ये मालूम करना है, तो आपने होली लिखा इसमें तो होली कब है वो डेट दिखा देगा। सर्चिंग द नेम ऑफ होलीडे विल टेल यू व्हाट डेट दैट होलीडे इज ऑन। नेक्स्ट। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपने वेदर वेदर मालूम करना है, और वो आपने जैसे हल्द्वानी का वेदर मालूम करना है तो 26 31 39 लिख दीजिए इसके बाद इसका पिन कोड, तो वो सीधे सीधे हल्द्वानी का वेदर शो कर देगा। ऐसे ही आपको कोई वर्ड डिफाइन करना है, उस वर्ड की डेफिनेशन देखनी है तो डिफाइन उसके आगे वर्ड लिख दीजिए, डिफाइन उसके आगे हमने वेदर की डेफिनेशन मालूम करनी है तो डिफाइन वेदर लिख दीजिए। ऐसे टाइम, अब हमने कहा कि भाई इस समय जो लंदन का है ना, या किसी एक सिटी का, वहां पे जो है यूके की किसी सिटी का लंदन का आपको टाइम मालूम करना है तो टाइम लंदन लिखिए यहाँ पे, तो वो टाइम दे देगा। ऐसे ही अगर आपको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट चेक करना है तो आप सीधे कंपनी का नेम लिखिए, जैसे गूगल है तो GOG लिख दिया आपने, GOGLE लिखा तो उसका वो शो कर देगा स्टॉक। नेक्स्ट स्लाइड। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल सर्च जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड वेब के चारों ओर है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है तभी हम गूगल और ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। नेक्स्ट स्लाइड।
अब क्या होता है कि इस सारी चीज के पीछे जो हम ये सर्चिंग की बात कर रहे हैं, कुछ सर्चिंग की टेक्निक्स और हैं उनको भी बताऊंगा। तो इसके पीछे क्लाउड होता है ना, जो क्लाउड बैकग्राउंड में क्या होता है, क्लाउड होता है। तो हम इसके 360 व्यू पे हम इसकी नॉलेज लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये जो सर्चिंग होती है, ये सर्चिंग की नई नई टेक्निक्स क्या है और सर्चिंग के पीछे लॉजिक क्या है, हम सर्च कहाँ से करते हैं, आखिर हमारे मोबाइल में तो इतना डेटा रहता है नहीं, हम मोबाइल में इतनी सारी चीजें कैसे देख लेते हैं। इतना बड़ा पबजी गेम बच्चे खेलते हैं, पूरे दिन भर उस पर लगे रहते हैं, फिर भी वो मोबाइल जो है चलता रहता है हमारा, तो कहाँ से होता है। इतने सॉफ्टवेयर, इतने हैवी हैवी हम सॉफ्टवेयर हम इतने छोटे से मोबाइल पे चला लेते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाउड होता है। तो क्लाउड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो गूगल क्लाउड या बहुत सारे क्लाउड है, आप कहीं भी बैठे हुए, ये क्लाउड भी दिखा रखे इसमें। तो क्लाउड क्या होता है, क्लाउड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर, क्लाउड ऑफ डिफरेंट सर्वर, बहुत सारे सर्वर हैं, कंप्यूटर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, डेटा सेंटर्स हैं, तो उनको मिलाकर के हम एक क्लाउड वर्ड दे दिया गया साइंटिस्ट द्वारा। तो आप अगर क्लाउड में हैं, आप क्लाउड से कनेक्टेड हैं, तो कहीं भी बैठे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं से भी आप नेट से कनेक्ट हैं। आज हम ये ऑफिस नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और घर से ही हम ये सारी वेबिनार वगैरह कर रहे हैं, है ना। तो बस हमको क्या चाहिए, इंटरनेट, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना। जैसे अभी मॉर्निंग में हमारी अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर कनेक्टिविटी ठीक है तो हमारा सिस्टम बहुत स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे, अब क्लाउड जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसको नाम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्लाउड जो है वो तीन तरह का होता है। इसमें इसमें हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस और बिजनेस में इनको अलग तरीके से देखता है, और जो टैकी है वो अलग तरीके से इसको देखते हैं। तो अगर हम टैकी के उसमें देखें, नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब क्या होता है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा, जैसे हम घर पे रहते हैं, तो घर में हम क्या करते हैं कि जब हम बिजली लेते हैं, तो बिजली हम खुद तो नहीं बनाते हैं, हमने उस मेन लाइन से, एक वायर से बिजली किराए पे ले ली। अब हमने जितनी बिजली जलाई, उतनी बिजली का हमने पैसा दे दिया। ऐसा ही कंप्यूटिंग में भी हो गया है। जितना आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उतना सॉफ्टवेयर आप यूज करिए, उस सर्वर से, क्लाउड से उठा लीजिए और उसका पैसा दे दीजिए। ऐसे ही जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अब आपको बहुत महंगे महंगे सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, वो सर्वर क्लाउड में पड़े हुए हैं, आप उनकी सेवाएं इंटरनेट के थ्रू ले लीजिए, तो उसको हम इंटरनेट एज सर्विस बोलते हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म एज सर्विस, वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसके बारे में बहुत डिटेल से फिर कभी और बात भी करेंगे। तो मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट उसमें जाइएगा, तो नेक्स्ट, अगली स्लाइड में आ जाइए। तो इस तरह से क्या होता है कि जो क्लाउड, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जैसे आप देखिए, आपके मोबाइल, छोटा सा मोबाइल फोन है, आप जेब में रख, स्टॉक मार्केट की डिटेल ले रहे हैं, पूरा सिस्टम हम देख रहे हैं और सारी चीजें हम कर पा रहे हैं इससे, है ना। किसी भी पिक्चर को हम देख ले रहे हैं, हजारों पिक्चर हम देख रहे हैं, दिन में 10 20 50 वीडियो देख रहे हैं, पबजी गेम खेलते हैं छोटे बच्चे, है ना, हम भी किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब इन कहाँ पे रहती है सारी चीजें, इतनी पिक्चर्स हम दिन भर में देख लेते हैं। हमने कहा दिन में पिक्चर देख लिया हमने, मोबाइल में तो अगर एक पिक्चर स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मोबाइल की मेमोरी इतनी नहीं है कि पिक्चर भी इतनी हैवी होती है आजकल, इतना वीडियो, इतना ग्राफिक्स होता है उसमें, तो वो सारी पिक्चर्स कहाँ पड़ी हुई है, डेटा सेंटर्स में पड़ी हुई है। तो ये डेटा सेंटर बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, जिसमें बहुत बड़े, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर में, इस तरह के हमारे बहुत सारे सीरीज में सर्वर्स लगे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो इतने बड़े एरिया में, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए सर, कि वो लगभग लगभग 12 आपका आवाज सर ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रहा है हम तक, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो,
हेलो हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। से उन सब रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी तरह से गूगल न्यूज है, पिछले वाले में आ जाएगा गूगल न्यूज। हम किसी भी तरह की न्यूज, पिछले 30 दिन की न्यूज देख सकते हैं। गूगल बुक्स पे आप जाइए, गूगल बुक्स आपको सर्च करनी है, कोई भी किसी भी वर्ड की कोई भी बुक्स नेक्स्ट स्लाइड में है। तो गूगल न्यूज वॉच वॉचेज मोर देन 4500 न्यूज सोर्स, ये कह रहा है। तो ये हाँ, तो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह से गूगल बुक्स में है, गूगल हैज स्कैंड 12 मिलियन बुक्स। आज सारा डिजिटाइज फॉर्म में है, तो सारा ओसीआर से, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन से, स्कैन फॉर्म में आपकी सारी बुक्स वेब पे हैं। किसी भी बुक्स को आप किसी भी लैंग्वेज, 480 लैंग्वेज ये दिया हुआ है। और आज और डे बाय डे ये सारी ये जो है नंबर हर रोज चेंज हो रहा है। तो ये है कि हम इतनी सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं, ये बेनिफिट है गूगल बुक्स का। नेक्स्ट, तो गूगल का मतलब भी होता है सर्चिंग का। इसी तरह से ये गूगल क्लासरूम है, जैसे मैंने यहाँ पे एमसीए की क्लासेस क्रिएट की है, तो वो ये कम्युनिकेशन विद योर क्लास हियर। तो यहाँ पे हम सारी चीजें जाएंगे तो खुद ही नेविगेट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। खुद इतना यूजर फ्रेंडली सिस्टम है कि यहाँ पे आप क्लास, जैसे क्लास वर्क देना है, आप पर टैब देख रहे हैं, पीपल में आप अपने स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, मार्क्स पे जाकर के उनको मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो उनके सिस्टम पे भी डिस्प्ले हो जाएंगे, उनके एंड पे भी। नेक्स्ट स्लाइड, इसी तरह से अगली स्लाइड में आ जाएगी सर। इसी तरह से गूगल ट्रांसलेट है, इट सपोर्ट ओवर 100 लैंग्वेजेस एट वेरिएबल, और हो सकता है ये डेटा और ज्यादा हो। इस पर ओवर 200 मिलियन पीपल डेली यूज द गूगल ट्रांसलेट। तो रोज हम इसको इतना यूज कर रहे हैं, ये इसका वो है, इसका बेनिफिट है। और हिंदी टाइपिंग में तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो आप जो भी टाइप कर रहे हैं उसको वो हिंदी में कन्वर्ट करता जाता है, चाहे इंग्लिश से ही टाइप कर रहे हैं, सूची वर्ड से। तो नेक्स्ट स्लाइड आगे, गूगल मैप्स का बड़ा इम्पोर्टेंट यूज है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो जैसे अगर हम ओला या उबेर की बात करें, या हम स्विगी की बात करें, या जोमेटो की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें किस पे, जीपीएस सिस्टम पे बेस्ड है। और हम यहाँ पे इट ऑफर सैटेलाइट इमेजिनरी स्ट्रीट मैप्स, 360 पैनारोमिक व्यूज ऑफ द स्ट्रीट, ये हम देख सकते हैं, ये है। हालांकि इसके ड्रॉबैक ये है कि हमारी सिक्योरिटी का एक ब्रीच हो सकता है, पर ये जैसे हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अपनी कार में हमारा जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, तो ये गूगल मैप इनेबल्ड है कहीं, तो ये इनका अपना जो सर्वर है, जो इनका सैटेलाइट है, जो वहां से ये हम इसको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ऐसे गूगल टॉक है, गूगल टॉक या चैट इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दैट प्रोवाइड बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन, है ना। तो गूगल डीओ, आपको विदेश में बात करनी है, तो ये हम सारी चीजें इसमें ले सकते हैं। ऐसे गूगल हैंगआउट है, तो इसमें आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप की तरह हम इसमें कॉल कर सकते हैं। तो लोग जो आपको इंटरनेशनल कॉल है, वो कॉल बड़ी महंगी पड़ती थी पहले, तो अब हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो इनकी हेल्प से हम इजीली बात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर, तो इसका मैंने ये भी दिया हुआ स्नैपशॉट। ऐसे गूगल स्कॉलर है, तो गूगल स्कॉलर में अगर आपको रिसर्चर है कोई, तो उसको अपने रिसर्च आर्टिकल देखने, तो गूगल स्कॉलर में जाकर के रिसर्च आर्टिकल देख सकता है। Through its cited feature, Google Scholar provides access to abstract of the article. तो Google Scholar में जो account है, जैसे मेरा भी Google Scholar में account है, और मेरे citation, मेरा H index, मेरा H10 index, ये terms use होते हैं इसमें, अगर आप लोग समझते होंगे तो इसको, तो उसके basis पे जैसे NAC का approval होता है, NAC की team आती है, तो वो देखती है आपका Google का account कितना है, आपका H10 index कितना है, university का भी check होता है, इंडिविजुअल भी चेक होता है, तो वो उसी के बेसिस पे चेक होता है। तो हम अपने पेपर्स की लिस्टिंग कर देते हैं, और हमें पता चलता है ऑटोमेटिकली कि हमारे पेपर्स की साइटेशन कहां तक पहुंच गया है। नेक्स्ट स्लाइड,
इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स आपका कोई सॉफ्टवेयर, आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस की क्या ग्रोथ है उसको ये बताता है। गूगल एनालिटिक्स इज नाउ मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब एनालिटिक्स सर्विस ऑन द इंटरनेट। ये आपको बता रहा है कि आपकी कितना एनालिटिक्स बता रहा है कि आपकी जो साइट है उसको कितना वॉच किया जा रहा है ना। 100 साइट प्रोफाइल आप यहाँ पे है, यूजर कैन हैव 100 साइट प्रोफाइल, इतनी साइट हो सकती है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, तो इसी तरह से गूगल के तो वंडरफुल एप्लीकेशन है ही है। इसी तरह से ड्राइवरलेस कार पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बहुत सारे ट्रायल हो गए। आने वाला टाइम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास ये ड्राइवरलेस कार होगी। ये एक वंडरफुल डेवलपमेंट है गूगल का। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह से ये एक अपने आप पे एक इनका अमेजिंग वर्क है कि आप देखिए इसमें रेटिना का जो है इन्होंने फोटोग्राफ लिया, ये गूगल का। आप गूगल में सुंदर पिचाई की स्पीच सुनेंगे तो दिस इज ऑल्सो सर्चिंग कि आपने इन्होंने सर्च की, इसकी आईज का फोटोग्राफ लिया और ये जो आईज की फोटोग्राफ है ये बता रही है इसकी कार्डियोवेस्कुलर रिस्क है। आप देखिए कि एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, स्टार्ट सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट हुई, लैरी पेज और वो दो जो इसके पार्टनर थे उन दोनों ने ये कंपनी स्टार्ट की और सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की, गूगल गैराज को नाम दिया। एक गैराज से स्टार्ट हुआ और वो कंपनी आज मेडिकल फील्ड में भी काम कर रही है। वो कंपनी, इससे पहली स्लाइड में आपने देखा होगा, वो ड्राइवरलेस कार भी बना रही है वो कंपनी। तो आप देखिए, जबकि कार तो जनरल मोटर्स बनाती थी और कार के बिजनेस में भी आ गई और ये मेडिकल फील्ड में भी आ गई। देखो कंप्यूटर कितना ज्यादा इम्बेडेड सिस्टम की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर कितनी ज्यादा वर्सटाइल फील्ड में काम करता है, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है। तो यहाँ पे गूगल्स एआई यूज रेटिनल इमेज टू रिवील, गूगल्स एआई यूजेज रेटिनल इमेज टू रिवील कार्डियोवेस्कुलर रिस्क फैक्टर। यानी कि इन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया कि ये जो है, जैसे ये इसकी आईज की इमेज ले रहा है और इमेज ले करके उसको प्रोसेस करके बता रहा है कि इस पे जो है कार्डियोवेस्कुलर रिस्क कितना है, इस पे हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है, इसका जो है कार्डियोवेस्कुलर फैक्टर्स क्या है ये बता सकता है। तो ये एप्लीकेशन है इनके। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमारे इसमें। तो इस तरह से फ्रेज सर्चिंग जो आपने अभी तक देखा, अगर उनको कैटेगराइज करें तो ये फ्रेज सर्चिंग, क्विक सर्चिंग, बुलियन वेरिएबल का भी हम यूज करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन का भी हम यूज करते हैं सर्चिंग में, और बुलियन ऑप्शंस का भी हम यूज करते हैं, ट्रंकेशन का भी यूज करते हैं, है ना। तो अभी इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें और बता के फिर इसको कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप देखिए सर, फ्रेज सर्चिंग, फिर से उसी बात को बता रहा हूं मैं आपको कि ये मैं फोकस कर रहा हूँ इस पे कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक सर्च करना है तो उसको डबल कोट्स में रखिए, व्हेन यूजिंग द सर्च टर्म, इसको फ्रेज सर्चिंग बोलते हैं, नाम इसका ये है फ्रेज सर्चिंग, व्हेन यूजिंग द सर्च टर्म कंटेनिंग मोर देन वन वर्ड इनक्लोजिंग देम इन कोटेशन मार्क्स रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्जैक्ट फ्रेज ओनली। तो जो रिटर्न होगा, जो सर्च होके आएगा वो एग्जैक्ट वर्ड आएगा, एग्जैक्ट यही फ्रेज सर्च होगा, इसके अलावा फालतू चीजें सर्च नहीं होंगी, है ना। जैसे हम कहते हैं किसी से, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने वो इधर उधर की बातें करने लगा, तो हम कहते हैं यार तुम इधर उधर की बात मत करो, जो हम पूछ रहे हैं वो एग्जैक्ट वो बात बताओ। तो वही हम गूगल से कह रहे हैं कि हमको तुम फालतू चीजें मत बताओ, इतना हमारे पास समय नहीं है, हमको जो है आप जो काम की चीज है वो बताओ, है ना। तो इसलिए हम उसको डबल कोट्स में दे रहे हैं। तो इसको हम फ्रेज सर्चिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी तरह से मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे लग रहा था कि टाइम कम है तो इसलिए मैं तेजी से इसको आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स की बात और करते हैं यहाँ पे। मैनी सर्च इंजन नाउ अलाउ यू टू क्विकली सर्च फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट सिंपली टू इंक्लूडिंग द कीवर्ड एट बिगिनिंग ऑफ योर सर्च। फॉर इंस्टेंस, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द वेदर इन पेरिस, तो सिंपली वेदर पेरिस, तो ये क्विक सर्चिंग होगी। अब हमको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम पूरा सेंटेंस लिखें तो ये, अब ये क्योंकि शुरुआत में तो जो सर्च इंजन थे वो इतने फास्ट नहीं थे, वो बहुत अच्छी सर्चिंग नहीं कर पाते थे, पर अब जो सर्च इंजन है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो गए क्योंकि उसमें एआई यूज होने लगी है और फास्ट भी हो गए हैं और वो हिडन पैटर्न्स को भी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर ले रहे हैं, जो हिडन उसमें वो है तो उसको भी वो खुद ही फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से वेदर पेरिस, मतलब पेरिस का वेदर ढूंढना चाह रहे हैं जो जिसने सर्च जो वेब सर्च सर्चिंग करना चाह रहा है। तो यू शुड गेट द करंट फैक्ट
फोरकास्ट ऑफ पेरिस, तो उसकी करंट फोरकास्ट बताएगा। अब आप देखो वेदर फोरकास्टिंग भी तो एक सर्चिंग है, तो हम कहते हैं कि हे गूगल प्लीज टेल द वेदर कंडीशन ऑफ हल्द्वानी टुडे और टुमारो, इस तरह से हम बोलते हैं, तो वो हमको एग्जैक्ट वेदर कंडीशन बताता है। एलेक्सा से पूछते हैं, एलेक्सा व्हाट इज द वेदर नाउ, ये हमको बताती है कि नहीं है अभी ऐसा है। अभी हम बोलते हैं कि एलेक्सा प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द वेदर ऑफ नैनीताल, सर पहली स्लाइड में आ जाएगा एक मिनट। तो वो अभी टाइम है शायद मेरे पास 5-10 मिनट है, एक एक बार पहली स्लाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्लाइड गोपाल सर पहली, इससे पहली स्लाइड में आ जाइए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभी टाइम है ना 12:30 बजे कंप्लीट करना है मुझे नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, फ्रेज सर्चिंग का 12:30 बजे तक का टाइम होगा। तो इस तरह से हम फ्रेज सर्चिंग की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अलेक्सा जो है या ये है, तो हमको एग्जैक्ट सर्च करने लगी है हमारे फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि इनके पीछे सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हैं, केवल सर्चिंग ही नहीं हो रही है, ट्रैवलिंग ही नहीं हो रही है उसमें, उसमें हमारी उसमें सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हैं। जो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम जेनेटिक एल्गोरिथम यूज कर रहे होंगे, या हम कोई और चीज, जो भी हम फोरकास्टिंग टूल्स हम यूज कर रहे हैं, वो टूल भी काम कर रहे हैं। तो आपको वो चीज एग्जैक्टली आपको शो कर रहा है, ये डिस्प्ले चला गया, तो इनलार्ज कर दीजिएगा सर इसको। तो एंटरिंग द ट्रैकिंग कोड फॉर ए पैकेज, अब ये भी है देखिए यहाँ पे, इसको इनलार्ज कर दीजिएगा सर। एंटरिंग ए ट्रैकिंग कोड फॉर ए पैकेज, अगर आपका पैकेज डिलीवर नहीं हुआ उसका ट्रैकिंग कोड रख दीजिए गूगल पे, और वो बता देगा आपको ट्रैकिंग कोड। एलेक्सा से पूछ लो ये ट्रैकिंग कोड है कहाँ पहुंच गया, तो वो आपका एलेक्सा वो सर्च करके बता देगा कि भाई आपका कोरियर रुद्रपुर पहुंचा है या मुरादाबाद पहुंचा है। इफ यू एंटर मैथमेटिकल इक्वेशन द सर्च इंजन शुड गिव यू द आंसर, आपने वो मैंने बता चुका हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ भी लिख रहे हैं, और इवन जो गूगल लेंस है उसमें कुछ नहीं करना है, आपने कॉपी में बच्चे ने लिखा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी, सवाल सॉल्व किया और गूगल लेंस ने उसकी फोटो ली और उसने उसका आंसर एग्जैक्ट आंसर बता दिया। सर इसको इनलार्ज कर दीजिएगा, अभी इनलार्ज नहीं हुआ है। इफ यू वांट टू फिगर आउट हाउ मेनी ऑन्स इन 3 पाउंड, ये भी बता चुका हूं मैं, तो ये आपको कन्वर्ट करके बता देगा। एक मिनट बस, लास्ट लाइन, फाइंड आउट द फ्लाइट स्टेटस ऑफ सर्चिंग ऑफ द एयरलाइन फ्लाइट नंबर, तो वो फ्लाइट नंबर आप दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सर्च कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए, इसको इनलार्ज कर दीजिए सर। सर थोड़ा सा मैं पीछे बैकग्राउंड में कुछ काम भी कर रहा हूँ ना अब। अच्छा अच्छा ठीक तो है, इसलिए चूंकि मेरा कुछ और बहुत सारी चीजें इनका रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चले चले ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। तो ये हो गया, अभी इसी तरह से फिर ये दोबारा से आप ऑडियो सर्च पर आप देख रहे हैं या इस तरह से इमेज सर्च पे हम आ जाएंगे, तो ये हमारा इमेज सर्चिंग होगी, यहाँ पे हम कोई भी इमेज अपलोड कर देंगे तो हमारी इमेज को वो सर्च करके शो कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, अब ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, जिसमें हम कोई इक्वेशन दे रहे हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका गूगल लेंस शो कर देगा, ठीक है। अब ये वॉइस सर्च का भी हमारा ये भी बता चुका हूँ, ये बता ही चुका हूँ सर। हाँ, अब इसमें देखिए, इससे पहली वाली स्लाइड में आइएगा, इससे पहले एक स्लाइड और आएगी, पहले इससे पहले वाली स्लाइड में आइएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पर्सन मूव कर रहा है और इस पर्सन की सारी डिटेल, ये भी इमेज सर्च है, आप देखिए इसमें वो उसकी लेंथ हाइट वगैरह सब सारी चीजें उसकी शो कर रहा है। और सर थोड़ा सा बस 5 मिनट इसको इनलार्ज वो कर दीजिए, क्योंकि बस ये जब आप इसको फुल व्यू में चलाएंगे तभी ये पता चल पाएगा। तो इस तरह से ये आपको ये शो कर देगा, ऐसे ही इसमें लेफ्ट साइड में गूगल लेंस है, ये आपके शूज की फोटोग्राफ आपने ली, तो जो आजकल एड आता है इसका कि आप जो है कि वो एक महिला कहती है दूसरी महिला से कि ये मैं मार्केट से लाई और इतने रुपए की लाई ड्रेस, तो वो दूसरी फ्रेंड कहती है उसकी फोटो लेती है, कहती है झूठ बोल रही है ये तो 400 रुपए की है, 600 रुपए की बता रही है ना, तो उसमें वो फोटो इमेज सर्च कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर,
बस दो तीन स्लाइड है सर, फिर आप अपना काम करिएगा। तो अगली अगली स्लाइड में आ जाइए। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, गूगल लेंस जो है डायरेक्ट नोटबुक से भी आपकी डिटेल को ले सकता है। इसी तरह से ये है, यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये कुछ लिखा हुआ है और किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया किसी और लैंग्वेज में। इस तरह से ये आइटम सर्च कर रहा है। ऐसे ही हमारा है, हमने टिकट का बार कोड दिखाया तो इसने पूरी डिटेल उसकी दे दी, ट्रांसलेट कर दिया। ये टिकट हमारा किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब ये टिकट हम बाहर कंट्री में गए और वहां किसी हमने वहां टिकट लिया, हम पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ, हम वहां की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो हमारा ये गूगल लेंस इसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से भी हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर, अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर, सर नेक्स्ट। हाँ, तो इसी तरह से इसमें और भी फीचर्स हैं कि आपको रिसर्च आर्टिकल वगैरह सारी चीजें पढ़नी है तो वो कर सकते हैं। अब आप मिनिमाइज कर सकते हैं सर। अब हम देखिए, जो इंटरनेट सर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये हमको देखना होता है, चाहे हम सोशल मीडिया पे भी हैं। तो जो इंटरनेट रिसर्च एटीट्यूड की बात करें या इंटरनेट सर्चिंग एटीट्यूड की बात करें, तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना चाहिए, निगेटिव चीजों के पीछे हमको नहीं करना चाहिए, हेटरेट और इन सब चीजों को। थोड़ा सा ये इथिक्स भी है ना, न्यूट्रल एटीट्यूड भी है। तो ये अलग अलग तरह के एटीट्यूड होते हैं। तो सोशल मीडिया पे ये आजकल आप देखते हैं, हेटरेट स्पीच है या बहुत सारी पोस्ट है जिन पे कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई होती है, तो हम लोगों को बचना है इन सबसे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इंटरनेट एक तरह का एटीट्यूड हमको शो करना चाहिए, दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी। ऐसे ही पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड को डिफाइन किया हुआ है। तो एक इसी तरह से रिसर्च एग्जाम्पल भी बहुत सारे आप नेट पे देख सकते हैं, और एक स्नैपशॉट डाल रखा मैंने। नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड, अगली आ जाइएगा। इसी तरह से ये रिसर्च एग्जाम्पल है जो हम नेट पे दिए रहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर। तो इसी के साथ साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।